नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं सर्वेश कुकरा इस वक्त हांसी में हूँ और भक्त मदननाथ का समाधि स्थल है। गुरु पूर्णिमा का दिन है, भंडारा लगा हुआ है, तमाम लोगों से बात करेंगे। इनके हर वर्ष जो है इसी समाधि पर भंडारा भी लगाया जाता है। आनंद जाखड़ भी यहाँ पर हैं मेरे साथ में, प्रधान जी भी यहाँ पर हैं और तमाम जो हैं जुड़े हुए हैं इस संस्थान से, वो सारे लोग यहाँ पर। आनंद भाई, आज का जो दिन है बड़ा विशेष दिन होता है गुरु पूर्णिमा का, और भंडारा मेरे ख्याल से हर बार लगाते हैं। बिल्कुल, हर साल। विशेषता क्या है, हम कि ये लोगों को बताएं जरा। श्री श्री 1008 गुरु मदननाथ जी हांसी के बाशिंदे थे, बच्चा बच्चा पूरा शहर उनको जानता है, और उन वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बालाजी हनुमान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी, और उसी कड़ी के चलते उन्होंने बहुत से धार्मिक आयोजन किए, सामाजिक कार्य किए, और भगत और श्रद्धालु उनसे जुड़ते चले गए। जब वो परमात्मा के पास चले गए तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आज भी उनका आशीर्वाद हमारे बीच में है। और गुरु पूर्णिमा का जो दिन है वो गुरु को सम्मान देने का दिन है। गुरु को सम्मान में हम लोग हर बार यहाँ हवन करते हैं और एक विशाल भंडारा लगाते हैं ताकि शहरवासियों को भोजन कराकर हम गुरु को सम्मान दे सकें। सही बात है, गुरु भक्त मदन नाथ का जो है साथ आज भी यहाँ पर, आशीर्वाद यहाँ पर है। क्या क्या हुआ है सर आज? आज सुबह सबसे पहले कल हुआ था प्रोग्राम, कल रात को मेहंदी थी, गुरु नाम की मेहंदी हमने सबने लगवाई हुई है, जितने भी मेंबर हैं। परहेज कर जाते हैं, अभी मैं पुरुष हूँ मैं क्यों लगाऊंगा, लेकिन गुरु की मेहंदी है ये, सभी ने जो है सभी ने मेहंदी लगवाई है, मेरे गुरुवर इस पर लिखा हुआ है। हाँ जी, और आज सुबह हवन हुआ था, हवन के बाद फिर हमने जोत लगाई है गुरु जी के नाम किसे, फिर वस्त्र चढ़ाए गुरु जी को, और अब अपने भंडारा चल रहा है, उसके बाद में कीर्तन होगा। पूरे भाव के साथ में गुरु जी को याद किया गया, आशीर्वाद लिया, पूरे भाव में पूरे मन से पूरे जोश से अपने कर रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम जो भी होता है सफल होता है, चाहे शाम जागरण का हो, चाहे गुरु जी के जन्मदिन के ऊपर ब्लड कैंप लगाते हैं, वो भी पूरा सफल होता है। मैं बता दूं, जब भी शहर में कोई बड़ा आयोजन होता है, जागरण होते हैं, तो यहाँ की संस्था जो है उनकी विशेष सेवाएं रहती हैं, जो सारे लोग निकल जाते हैं, तो उस वक्त तो सफाई का जिम्मा जो है ये संस्था लेती है। बड़ा मतलब नाम है इस बार करते, बालाजी कृपाणी धान मंडल करता है, सफाई का प्रोग्राम करता है और तन मन से करता है। बिल्कुल जी, विजय पाल भी यहाँ पर है, तो एक कमेंट छोटा सा ले लूँगा, आप काफ़ी सालों से जुड़े हो, एक खासियत यहाँ की संस्था की? सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यहाँ का यहाँ पर मतलब किसी के एक दूसरे के ऊपर है ना, वो भेदभाव वाली बात नहीं है। हमारे गुरुजी ने सबको यही शिक्षा दी है कि यहाँ जो हमारे पास आ गया वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सबको सम्मान रूप से वही सम्मान मिलता है और सबकी बात यहाँ सुनी जाती है, इसलिए सबके ऊपर गुरुजी का बराबर आशीर्वाद बना रहता है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद के बाद ये गद्दी पे बैठते हैं भाई साहब, अपना नाम बता दें एक बार। मेरा नाम मुकुल है, मुकुल नाम है मेरा। आजकल आप यहीं बैठते हैं गद्दी? हम भी सेवा कर रहे हैं, सब मिलके करना गुरुजी ने है, लेकिन चल सब रहे हैं। जो उन्होंने आज बागवानी लगाई है तो उसके लिए सब हम संभाल रहे हैं। उस बात के सारा का सारा भावनाओं का खेल है। लक्ष्मीकांत भी यहाँ पर, एक छोटा सा कमेंट आ जाओ, ये बड़े सेवादार है, पीछे हटते हैं बात करने में। गुरुजी को याद किया जाता खास तौर पे, हालांकि रोज ही करते होंगे याद, लेकिन आज के दिन याद रोज ही करते हैं जी। गुरुजी बगैर हमारे पास कुछ नहीं है, फ्रूट का श्रृंगार के साथ गुरुजी की सारी समाधि सजाई है। नरेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे, समाज सेवी हैं, भक्त मदन नाथ का जो समाधि स्थल है वहाँ पर पहुंचे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सर्वेश जी, सभी शहर वासियों को गुरु पूर्णिमा पे मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा दिन है आज, ऐतिहासिक दिन है, और जैसा कि आपको पता होगा कल गुरु पूर्णिमा के ऊपर गाँव से औरतें स्नान करने भी टीम नरेश यादव की तरफ से गई हैं, और यहाँ भी जो मदननाथ जी महाराज हैं उनका बड़ी असीम कृपा है हांसी के ऊपर। स्पेशली मैं देख रहा हूँ लोगों में उनका एक क्रेज़ है, क्योंकि लोगों के उन्होंने मतलब बड़े बड़े कष्ट दूर किए हैं, और मैं यही चाहता हूँ जैसे मदननाथ जी की कृपा से हांसी के अंदर जो सुख शांति बनी रहे और सब लोगों को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। और नरेश यादव की तरफ से कल ही एक बस भी गई है हरिद्वार, गुरु पूर्णिमा थी और अक्सर ये इनकी तरफ से बसें जाती हैं, इनकी जो टीम है नरेश यादव की जो टीम है वो बसें भेजती हैं तीर्थ स्थानों पर, जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती है, उनका खाने का पीने का रहने का सब व्यवस्था, तमाम व्यवस्था इनकी टीम मुकम्मल उनको करती है, और कल ही ऐसी एक बस गई थी हरिद्वार। आने वाले दिनों में और भी बसें जाएंगी, रेगुलर अमावस्या को और पूर्णिमा को रेगुलर चलती रहेंगी, जब तक हमारे हांसी के जितने भी गांव हैं और जितना भी शहर है, हर वार्ड से हर गांव से, जब तक पूरे के पूरे गांव से महिलाएं नहीं जाएं। इसके बाद सर्वेश जी, ये यात्रा हरिद्वार की पूरे होने के बाद कुरुक्षेत्र की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, और उसके बाद सालासर के लिए, बालाजी के लिए, मतलब एंडलेस प्रोसेस है। मामला सारा का सारा भावनाओं का है,
भावनाएं जिसकी जैसी रहेंगी वो खेल चलता ही रहेगा। और इस तरह की यात्राएं जो हैं पूरे हरियाणा जब कवर हो जाएगा तो हो सकता है कि हरियाणा से बाहर की जो तीर्थस्थल हैं वहां पर भी ये टीम जो है बसें भेजेगी। मैं आपको बताऊं सर्वेश जी, मैं 7 दिन की यात्रा करके अभी लौटा हूँ। मैं काशी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर सब जगह गया हूँ। मैं पहले सारी व्यवस्था देख के आया हूँ और मैं कहता हूँ इतना ज़बरदस्त सीन, इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट वहाँ, मतलब जहाँ आप जाते हैं फिर आप सोचते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बुजुर्ग भी जाएं। बिल्कुल, सबको जाना चाहिए। और काशी विश्वनाथ के मैं दर्शन करके आया हूँ, मैं कहता हूँ आत्मा निर्मल हो गई है बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ सबकी आत्मा ऐसे निर्मल हो। इनकी आत्मा निर्मल हो चुकी है और जो बुजुर्ग हैं इनकी जो इच्छा है उनकी भी आत्मा निर्मल हो जाए इसकी व्यवस्था ये लोग करेंगे। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।